हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं या जिन लोगों को मेंटल इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन सेरोटोनिन के बारे में जानकारी दूंगी, जिसका जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा अच्छा है जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन सारे केसेस में। बींग ए साइकोलॉजिस्ट, मैं इस दवा को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पाती हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे कि ये सेरोटोनिन होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनती है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डोजेस होती हैं और सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले हम जानते हैं ये सेरोटोनिन होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनाई जाती है। तो एज वी नो कि होम्योपैथी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, कुछ प्लांट किंगडम के मेडिसिन होती हैं, कुछ एनिमल किंगडम की होती हैं। तो इसका जो ग्रुप होता है वो होता है सारकोड्स का। सारकोड उन दवाइयों को कहते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से पाई जाती हैं और उनको हम पोटेंटाइज करके दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे इंसुलिनम है, पैंक्रियाटाइनम है, हमारी बॉडी के नॉर्मल सिक्रीशंस होते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल पाया जाता है सेरोटोनिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर मतलब होगा कि जो हमारी नसों को आपस में सिग्नल देते हैं, नसें आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, उनके बीच में एक केमिकल फ्लो करता है जो इस नस से दूसरी नस के अंदर अपना मैसेज पास करता है। तो इसको मैसेंजर्स भी बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं, और बिना इनके हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं हो सकता है। मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन है, गाबा है या ऑक्सीटोसिन है, ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और ये सारे जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं यही हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। बिना इनकी कोई भी बॉडी फंक्शंस इजीली नहीं हो पाएंगे या इनकी कमी से बहुत तरह के डिसऑर्डर्स भी पैदा होने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को सिग्नल्स वो पास ऑन करते हैं। तो ये जो दवा है सेरोटोनिन, ये बनाई जाती है सेरोटोनिन केमिकल से, और ये जो दवा है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। एक एक करके हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में इसका सबसे अच्छा प्रयोग रहता है। तो एंग्जाइटी एक बहुत ही ज़्यादा इजीली देखे जाने वाली चीज़ है, हर 3 में से एक इंसान को एंग्जाइटी है। ये अलग बात है कि एंग्जाइटी अलग अलग लेवल्स पे हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहता है, कोई मैनेजेबल रहता है। बट अगर आप एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इट मे बी जनरल एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी होती है या हेल्थ एंग्जाइटी होती है, उन सब केसेस में सेरोटोनिन इज़ अ गुड रेमेडी। एंग्जाइटी के अलावा ये दवा यूज़ होती है जीएडी के केसेस में। जीएडी के ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बना चुकी हूँ। जीएडी का मतलब होता है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को कोई एक टॉपिक नहीं होता है जिसके बारे में उसको चिंता करनी होती है, लेकिन हर टॉपिक के बारे में वो चिंतित रहता है, कभी इस टॉपिक के बारे में तो कभी दूसरे टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक खत्म होता है तो अगला टॉपिक वो शुरू हो जाता है, तो उसके बारे में उसको चिंता स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जो थर्ड कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आफ्टर कोरोना, वो है ओसीडी, यानी ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, फियर है, बहुत ज़्यादा डिजीजेस का फियर है, फियर ऑफ हार्ट इश्यूज है कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी एंग्जाइटी में आती हैं। सो ओसीडी इज एन एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही इंसान चिंतित रहता है। मे बी रिलीजियस एंग्जाइटी हो सकती है, रिलीजियस उसको ओसीडी हो सकती है, उसको हेल्थ के रिलेटेड ओसीडी हो सकती है कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, या इन्फेक्शन के लिए उसको ओसीडी हो सकती है कि मुझे, मैं किसी को छूंगा नहीं, मैं किसी से हैंडशेक नहीं करूंगा, इस टाइप की एंग्जाइटी होती है। तो जितनी भी तरह की ओसीडी एंग्जाइटी होती है, फॉर ऑल काइंड ऑफ केसेस ये दवा काम आती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे शरीर में जब ये इसका लेवल यानी सेरोटोनिन का लेवल ऑप्टिमम रहता है, बैलेंस्ड रहता है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हम हर चीज़ अपनी लाइफ का अच्छे से कर पाते हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जैसे ही सेरोटोनिन का लेवल हमारे शरीर में कम होने लगता है, हम लो फील करने लगते हैं, डल फील करने लगते हैं, लाइफ के हर चीज़ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, मॉर्निंग में उठने के बाद हमें बहुत ज़्यादा एक लेथार्जी सी फील होती है, लगता है कि क्या ही करना है आज पूरे दिन, मतलब वो जो एक रिफ्रेशमेंट होती है अगले दिन की, जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, माइंड के अंदर जो एनर्जी होती है, अगर वो ख़त्म हो रही है, उसमें भी ये दवा काम आती है। तो अगर आपको हमेशा डल सा फील होता रहता है कि
पता नहीं आज मैं क्या करने वाला हूँ, लाइफ में कोई गोल नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, तभी भी ये सीरोटोनिन काम आती है। क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे शरीर में सीरोटोनिन की कमी होती है तभी हमारा मन जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, कोई गोल्स नहीं दिखते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने करियर में क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तभी होती है जब हमारे शरीर में सीरोटोनिन के लेवल्स कम होते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि सीरोटोनिन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मन को, हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो हर एक बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रह रहा है पेशेंट, बहुत ज़्यादा मेनियक रह रहा है, जब वो डिप्रेस्ड रहता है तो अपने आप को हार्म भी कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट चलता है लाइफ लॉन्ग ही चलता है, क्योंकि जब भी आप मेडिसिन को विड्रॉल करते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकता है या बहुत ज़्यादा सुसाइडल हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है। तो एलोपैथी की दवाइयाँ थ्रू आउट चलती हैं, लेकिन होम्योपैथी की दवाइयाँ अगर आप बराबर लेते हैं तो 2 से 3 साल में बाइपोलर पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। और बाइपोलर को ख़त्म करने में सीरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बाइपोलर के लिए जब पेशेंट बहुत ज़्यादा डल फील कर रहा है, अपने आप को मारने जैसा सोच रहा है या दूसरे को बहुत ज़्यादा मेनियक हो जाता है, तो उसके मन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी सीरोटोनिन होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका है कि जब मूड का फ्लक्चुएशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, अब मूड स्विंग्स रेगुलर हो सकते हैं या किसी किसी कंडीशन में हो सकते हैं, कोई फेज़ हो सकता है। तो मूड स्विंग्स के केसेस में, यानी जैसे प्री मेनोपॉजल लेडीज़ होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, दिन दिन भर बहुत ज़्यादा डल फील करना, या मेंसेस के पहले बहुत ज़्यादा डल मूड रहता है, उन केसेस में भी सीरोटोनिन इज़ अ गुड रेमेडी। सीरोटोनिन का जो साइकोलॉजिकल बेस है वो एंग्जाइटी है, वो डिप्रेशन है, बाइपोलर है, ओसीडी है, जीएडी है, यानी जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये सारी कंडीशंस में अगर आप दवाइयाँ लेने जाएंगे तो आपको थ्रू आउट जो साइकेट्रिक जो मेडिसिन चलती हैं वो आपको दी जाती हैं, सीडेटिव्स होती हैं जिससे आपको हमेशा सोए रहते हैं तो आपका दिन भर का काम नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐसे करते रहते हैं, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलने वाली होती है। तो अगर आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ नहीं लेनी है तो आप सीरोटोनिन होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि होम्योपैथी की मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है उसको भी अगर साथ में लेंगे तो इसका असर आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको टेम्प्रेरी रिलीफ चाहिए, एकदम से अपना मूड को अच्छा करना है, डल मूड है उसको बेटर करना है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा फील करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक सीरोटोनिन होम्योपैथिक मेडिसिन। ये जो दवा है बहुत इजीली अवेलेबल अभी नहीं है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस मेडिसिन को बना रहे हैं, अदरवाइज अपने आसपास की जो होम्योपैथिक फार्मेसी है वहां से भी इस दवा को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको सीरोटोनिन भी बॉडी में नेचुरली बूस्ट करना है तभी भी उसका तरीका है, आप उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने डाइट में रेगुलर शामिल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डल फील होता है तो अपनी स्लीप और वेक साइकिल को आपको ठीक करना है। स्लीप और वेक साइकिल अगर आपका ठीक हो जाएगा यानी आपकी बॉडी में मेलाटोनिन अच्छा हो जाएगा, और मेलाटोनिन जो होता है एक प्रीकर्सर होता है सीरोटोनिन का। तो अगर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन अच्छा हो गया तो आपका सीरोटोनिन अपने आप अच्छा हो जाएगा, इसलिए समय पर उठना, समय पर सोना अगर आप बराबर करेंगे तो सीरोटोनिन आपका ऑप्टिमम ही रहेगा, कभी डाउन ही नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप टोफू लेते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सोया पनीर, सोया मिल्क से बनाए जाने वाला पनीर है वो लेते हैं, उसमें भी आपको सीरोटोनिन बूस्टर होते हैं। इसके अलावा चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सीरोटोनिन, और साथ के साथ अब नेचुरल जो फाइबर रिच फूड होते हैं उसमें भी सीरोटोनिन होता है। साथ के साथ अपने खाने में आप कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं, जो सीड्स होते हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स है या सनफ्लावर के सीड्स हैं, पम्पकिन के सीड्स हैं, इनको आप ऐड करिए अपने डाइट में और आपका सीरोटोनिन बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये सब करने के बाद भी हमेशा मूड डल रहता है देन यू कैन टेक दिस मेडिसिन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन को लेने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो ये मेडिसिन 30 स्टेज फॉर्म में आएगी, आपको 30 स्टेज फॉर्म में डायरेक्ट टैंक पे 4 बूंदें डाल लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फेज में चल रहे हैं तो इस दवा को रेगुलर यूज़ करिए, अदरवाइज कभी कभार मूड डल हो जाता है तो यू कैन यूज़ एज पर रिक्वायरमेंट। और इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप कोई साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं तो धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस करिए, धीरे धीरे करके वो दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन एक डॉक्टर के गाइडेंस में ही अपनी साइकेट्रिक दवाइयाँ बंद करनी है। एकदम से अगर आप अपने आप ये स्टार्ट कर देंगे तो आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एक बहुत बेटर अल्टरनेटिव है आपके डिप्रेशन को दूर करने के लिए, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सीरोटोनिन के ऊपर पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।